जिला कांग्रेस कार्यालय गोड्डा में भारत और बांग्लादेश द्वारा निर्णायक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले आदरणीय सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पूर्व सैनिकों को सम्मान पूर्वक शॉल ओढ़ाकर पुष्प भेंट कर उनके द्वारा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान को याद किया गया। बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ के दिवस पर आज पूरे झारखंड राज्य के सभी जिले में यह 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज गोड्डा जिला में जिला मुख्यालय में बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ के तहत यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजित्री के निर्देशानुसार आज अपर समर्था चंद्रभूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर दिनेश कुमार यादव एवं अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर सौरव भोनिया की संयुक्त अध्यक्षता में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत ईट राइट देवघर के तहत एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 पंचायतों में जिसमें ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत पंजारडी वाड़ीजोर प्रखंड अंतर्गत देवीपुर गोड्डा प्रखंड अंतर्गत डुमरिया पथरगामा प्रखंड अंतर्गत गंगटा कला पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत नवडीहा पंचायत में आमजनों की समस्याओं के समाधान एवं सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के लिए शिविर आयोजित की गई। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 17/12/2021 को नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 16 सहित 5 पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को पुराने पत्थर खदान से निकाला। वहीं पोड़ैयाहाट पुलिस को एनडीआरएफ की टीम ने सौंपा शव। गुरुवार सुबह देवघर से आए हुए एनडीआरएफ की टीम ने मृतक कैलाश हांसदा 25 वर्षीय का शव पुराने पत्थर खदान से निकाला। शव निकालने के दौरान आसपास के ग्रामीणों की हुजूम पत्थर खदान के समीप जुड़ गया। लोगों की में तरह तरह की चर्चाएं पुराने पत्थर खदान के प्रति जोर शोर से चलने लगी। किसी ने कहा कि इलीगल पत्थर निकालकर पत्थर माफिया 4 चांद लगा दिए। इसके बाद पत्थर खदान को ज्यों के त्यों छोड़कर मौत का खंडर बना दिया गया। उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा आज गुरुवार को जनता की फरियाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सुना गया, जिसमें जिले के दूरदराज के गांव से 13 लोगों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन के माध्यम से महोदय के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। महोदय के द्वारा सभी की शिकायतों को बारी बारी से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज 16/12/2021 को सारवा प्रखंड के बनवरिया पंचायत व बंदाजोरी पंचायत के अलावा देवीपुर प्रखंड के फुलकरी पंचायत मानपुर पंचायत एवं सारट प्रखंड के कुकराहा पंचायत में आयोजित की गई। अब पैसे कमाएं हार्डवर्क करके नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करके। इजी कैश पॉइंट दे रहा है बहुत ही कम खर्च में आपको CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। अब एक CSP ID लेकर आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे बहुत सी सर्विसेज एक ही छत के नीचे। आधार कार्ड से किसी भी बैंक से पैसा निकालना और जमा करना, अपने खाते में उपलब्ध बैलेंस चेक करना, मनी ट्रांसफर सेवा द्वारा किसी भी बैंक में पैसा भेजना, बैंक स्टेटमेंट निकालना। इतना ही नहीं, बैंकिंग सुविधा के अलावा किसी भी कंपनी के मोबाइल और DTH रिचार्ज पर 3-4% कमीशन कमाने का मौका, पैन कार्ड बनाने की सुविधा, बिजली बिल जमा करने की भी सुविधा, स्वाइप मशीन द्वारा सभी बैंकों के ATM कार्ड से निकासी की सुविधा। इतना ही नहीं, इसके अलावा अनेकों सुविधाएं। और तो और, इजी कैश पॉइंट के लैंडलाइन पर कॉल करके आप 24/7 ले सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी। तो सोच क्या रहे हैं, तुरंत CSP लेने के लिए अभी कॉल करें 7726006565 पर।